यूपी की जहांगीराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरियाणा मार्का की अंग्रेजी अवैध शराब की लगभग 610 पेटियां जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली प्रभारी विवेक शर्मा ने पुलिस बल के साथ 11 मील पुलिस चौकी से दो आरोपियों के साथ ही ट्रक को पकड़ा है जो अनूप शहर से होता हुआ बिहार जा रहा था। दरअसल सीओ अतुल कुमार चौबे ने बताया कि कोतवाली प्रभारी विवेक शर्मा को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बुलंदशहर की तरफ से एक ट्रक आ रहा है जिसमें भारी संख्या में हरियाणा मार्का की अंग्रेजी अवैध शराब का जखीरा अनूप शहर होता हुआ बिहार जा रहा है। आज प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद के नेतृत्व में दोपहर में जो है 11 मील चौकी के पास चेकिंग कराई जा रही थी, उसी समय एक ट्रक आता हुआ दिखा। मुखबिर की सूचना थी, इस पर जब ट्रक को रख कर चेक किया गया तो उसमें से जो है 610 पेटी जो लगभग 5500 लीटर है जिसका मूल्य लगभग 50 लाख की मतलब हरियाणा की अंग्रेजी ब्रांड की शराब बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस 11 मील पुलिस चौकी पर ट्रक को पकड़ने के लिए लगी। तभी एक ट्रक को आते देखा और उसे रोकने का इशारा किया तो ट्रक ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस को शक हुआ और उसे घेर कर पकड़ लिया, जिसकी तलाशी पर भारी मात्रा में अवैध शराब और दो तमंचे बरामद हुए हैं। जहांगीराबाद से खबर तहकीकात के लिए सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट।